दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा के बसपा से प्रत्याशी दीपक राजपूत ने भरा अपना नामांकन। और इसके साथ ही किया रोड शो का आयोजन। इस बीच बसपा के भारी मात्रा में कार्यकर्ता और नेता हुए शामिल। देखिए क्या कहा दीपक राजपूत ने हमारे संवाददाता जितेश अनिजा से बात करते हुए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ उत्तम नगर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी दीपक राजपूत जुड़े हुए हैं। क्या कहते हैं, पार्टी ने टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया इनको, क्या कहना दीपक जी, एक नई जिम्मेदारी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं दीपक राजपूत, मुझे बीएसपी से टिकट मिला है उत्तम नगर विधानसभा से। श्री मायावती बहन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपनी पूरी टीम और अपने पूरे समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी मेहनत और पूरे दम से मैं चुनाव लड़ूंगा। एक कार्यकर्ता होने के बाद एक सीधा उम्मीदवार बन जाना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? नहीं नहीं कार्यकर्ता तो मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा पड़ा था, पार्टी से काम करा मैंने और अब कोई जिम्मेदारी दी है, पूरी मेहनत से निभाऊंगा जिम्मेदारी को मैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद बीएसपी में आना और सीधा उम्मीदवार बनना? पार्टी तो छोड़ी नहीं, जिन टिकट उनसे मांग रहा था उन्होंने टिकट दी नहीं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने, बीजेपी ने, जिसने मायावती मैडम ने दी टिकट, बहन जी ने, इनसे लड़ रहा मैं चुनाव। उत्तम नगर विधानसभा से उम्मीदवार बने तो क्या रणनीति रहेगी, क्या चुनौती है आपके सामने अभी उत्तम नगर में? चुनौती तो कोई नहीं है जी, देखो जी आम आदमी पार्टी है वो चल रही है, बीजेपी चल रही है, हम भी लड़ेंगे, चुनाव तो बराबरी है सबके, हार जीत तो सब पब्लिक के हाथ में। जी क्या लगता है क्षेत्र में किस तरीके से विकास कर पाएंगे अगर आप जीतते हैं तो? अगर जीत मेरे दामन में आती है तो अच्छे काम करूँगा, पहले भी मैं करता रहा हूँ। क्या कुछ घोषणा पत्र है आपका जो जनता के बीच आप लेके जाएंगे, जनता से बात करेंगे आप? घोषणा पत्र तो अभी तैयार करानी है, 24 तारीख को करेंगे तैयार। जी कुछ ऐसी बातें जो जनता से आप कहेंगे, जनता की परेशानियों को सुनेंगे जो मौजूदा विधायक ने नहीं कह पाए कभी? समस्या तो पूरी करेंगे जी, रोड है, पानी है, ये सारे काम करेंगे जी। सर आपके पास आऊँगा, क्या लगता है सर? जी बिल्कुल जीतने की तरफ है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है पूरे दमखम के साथ और ये उत्तम नगर की जो विधानसभा है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है हमारे पार्टी ने दिया है और बहुत ही कर्मठ और जुझारू और बहुत ही सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी हैं। दीपक जी एक तो बीजेपी से किशन गहलोत, दूसरी तरफ आप पार्टी से नरेश बालियान, तो क्या लगता है मौजूदा विधायक रह चुके बालियान जी? नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव चुनाव है जी, चुनाव तो देखो मुख्यमंत्री साहब भी लड़ रहे हैं, चुनाव मैं भी लड़ रहा हूँ, चुनाव तो बराबरी है, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है किसको जिताएंगे, चुनाव बराबर है। कोई साहब क्या लगता है आपको? ये हमारा संघर्ष जो है समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय संविधान सर्वोपरि है, हमारा जो एजेंडा है वो सबके लिए शिक्षा, सस्ती और अच्छी शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सबके लिए सुरक्षा, तो इसमें बालियान और कृष्ण गहलोत हमारे सामने माने नहीं रखते हैं, हमारा जो एजेंडा है वो सबके हित में, नाली खरंजा हमारा एक दोयम दर्जे का वो है, जब सबके महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और वही हमारा और संविधान सर्वोपरि, अगर संविधान की अनुपालना होती है और उसी आधार पर हमने अपने दीपक राजपूत जी जो युवा हैं ये आए हैं और ये दमखम से लड़ेंगे, मतलब धनबल वाला हारेगा वोटों वाला जीतेगा, ये कांसीराम साहब का नारा था और हम उसी नारे के साथ मैदान में आए हैं, हमारे दीपक भाई का जोश है और युवा हैं और उसी दम पर हम मैदान में आए हैं, हार जीत तो वो 8 तारीख को जब वोट पड़ेंगे। क्या लगता है आपको दीपक राजपूत जो उम्मीदवार बने हैं? दीपक राजपूत को उम्मीदवार टिकट मिली है, हम इनकी पूरी सपोर्ट में हैं, हार जीत तो लगी रहेगी कोई बात नहीं, वो तो देखी जाएगी बाद में, कोशिश पूरी रहेगी कि अपने पूरा दम लगा के इनके साथ रहे। दीपक राजपूत एक ऐसे समाज की अगुवाई कर रहे हैं जो सबसे दबा कुचला पिछड़ा समाज था उसकी अगुवाई कर रहे हैं, इनकी जीत निश्चित होगी, क्यों समता मूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत ये लड़ाई लड़ रहे हैं, दीपक राजपूत सबसे आगे जाएंगे। दीपक जी सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बीएसपी के कार्यकर्ता नेता, उन सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं जितने भी आ रखे हैं अगर ये 100-100, 2000 वोट मेरे को डलवाएं तो जीत मेरी पक्की है जी। मैं कहना चाहूंगा अभी बहुजन समाज पार्टी नाली और खड़ंजे की लड़ाई नहीं लड़ रही, बहुजन समाज पार्टी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, आत्मसम्मान का आंदोलन है और ये राष्ट्रीय पार्टी है और दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर लड़ रही है और हमारे जो दीपक राजपूत जी हैं उत्तम नगर से युवा प्रत्याशी हैं, कर्मठ ईमानदार हैं, जुझारू हैं और बहुजन समाज पार्टी से ये जीतेंगे चुनाव को उत्तम नगर से।
ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तम नगर से प्रत्याशी बीएसपी पार्टी से दीपक राजपूत, जिनसे हमने खास बातचीत की, जिनका खास तौर पर कहना है कि उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, भरोसा जताया है पार्टी में, पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा होऊंगा, उत्तम नगर से अपनी जीत को तय मान चुके हैं, और तमाम जो उत्तम नगर के वासी हैं उन सबका धन्यवाद किया है। वो बोला है कि ऐसा प्यार मेरे को बसाए रखे। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ जितेश हनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।